प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा साहब के पास जा रहा हूं, और लेकिन मैं एक और दो चीजें दर्शकों को भी याद दिलाता चलूं क्योंकि फिर मौका लगेगा नहीं। जैसे पंडित रामकिशन जी को उन्होंने रखा, वैसे रामचरण दास जी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया तो बना ही दिया, फिर वो आजीवन रामचरण दास जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे। और मैं एक एक नाम इसलिए जोड़ दूं कि मधुलेमय जी का नाम सब लोग जानते हैं, हालांकि मधुलेमय जी की जब मृत्यु हुई उस समय मुलायम सिंह तो बाद में पहुंचे, उससे पहले प्रदीप शुक्ला डीएम गाजियाबाद थे, आप भी थे उस समय दिल्ली, मैं भी दिल्ली था, और प्रदीप शुक्ला पंडारा रोड के जो कम्युनिटी सेंटर में ले जाके शव रखा गया, और उसके शायद आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर प्रदीप शुक्ला मैं गारद दारद पुलिस उलिस वो सब लेके, जो एक एक अपने नेता को सम्मान देने की बात थी, क्योंकि मिलना अलग बात होती है, कोई जरूरत नहीं थी, मधुलेमय कोई वोट नहीं दिला सकते थे, ना जात का ना उत्तर प्रदेश में उनका प्रभाव था। मैं एक व्यक्ति का नाम इसलिए ले ले रहा हूँ कि ऐसे तमाम लोग थे, लेकिन वो व्यक्ति आपके भी और मेरे भी उतने ही करीब रहे, नरेंद्र गुरु। समाजवादी आंदोलन को छोड़ के नरेंद्र गुरु को इस देश में शायद कोई आदमी ना जानता हो। नरेंद्र गुरु का जब दारुल शफा में बाथरूम में नहाते समय उनका देहांत हुआ, कौन पूछने वाला था, लेकिन नरेंद्र गुरु को भी राजकीय सम्मान दिया गया। नरेंद्र गुरु को भी उन्होंने वो चलते चलते जो चूंकि मुख्यमंत्री थे और क्या कर सकते थे, तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ी बारी उनकी अपनी ताकत थी। प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा साहब, मैं आपसे एक चीज इसलिए पूछ रहा हूँ, जो डॉक्टर सुनीलम ने बात कही और एक दबी जबान से लोग कही रहे हैं कि भाई इन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था, और फिर ये भी कहते हैं कि देखो सिफई में आते थे मोदी जी आ गए थे। मेरे अभी एक साथी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जैसे चाइल्ड लिफ्टर होते हैं वैसे ही बीजेपी में फादर लिफ्टर हैं, वो जैसे सरदार पटेल को उन्होंने अपने साथ कर लिया, अब सुभाष चंद्र बोस बीजेपी के हो गए, उसी तरह से मुलायम सिंह जी को भी अपने पक्ष में। मैं सिर्फ एक चीज, आप अपनी बात तो कहिएगा ही, आपका बहुत व्यक्तिगत हो रहा है, मैं लेकिन एक चीज कहूंगा, डॉक्टर लोहिया जनसंघ के साथ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस साहब एनडीए के चेयरपर्सन बने और उनके गोधरा को भी ठीक बताएं और ग्राहम स्टेन्स को भी ठीक बताएं तो कोई दिक्कत नहीं, मुलायम सिंह आशीर्वाद दे दे तो बहुत दिक्कत है। मैं ये समझना चाहता हूँ, मतलब मुलायम सिंह के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? प्रोफेसर चितरंजन मिश्रा साहब जी, जी मैं पहले तो मुलायम सिंह जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपने जो सवाल किया है कि मुलायम सिंह जी को हाईजैक करने की कोशिश हो रही है, इसलिए कि अब इस देश की राजनीति में मुलायम सिंह बड़े नेताओं में अकेले आदमी थे जिन्होंने जीवन भर पंथ निरपेक्षता की राजनीति की और कभी सेकुलरिज्म के सामने कोई समझौता नहीं किया, अंत तक उस बात पर टिके रहे। अब जो लोग सांप्रदायिक गठजोड़ से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं उनका काम ही है नायक चुराना। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि मुलायम सिंह जी उनको आशीर्वाद देकर गए, दरअसल उनका उनकी पूरी राजनीति ही जनता के भीतर भ्रम पैदा करने की राजनीति, वो एक छलिया राजनीति करते हैं और उसी छलिया राजनीति के तहत वे अब मुलायम सिंह जी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जो अपने कार्यकर्ता बनाए, जो अपने लोग बनाए, वे संवैधानिक मूल्यों के प्रति इतने निष्ठावान हैं कि वे इन साजिशों में फंसने वाले नहीं होंगे, जहां तक मेरा ख्याल है। और उनके न रहने के बाद उनका जो महत्व है वह ज्यादा समझा जाएगा कि आदमी जब होता है तो उसके तमाम सारे तमाम दूसरी दूसरी बातें सामने आती हैं, पर जब वो नहीं होता है तो उसने जो समाज के लिए किया है, देश के लिए किया है, सभी वर्गों के लिए किया है, वो बातें याद आती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मुलायम सिंह जी अकेले मुख्यमंत्री हैं रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने चौकीदार से लेकर जो गांव में सबसे छोटे लेवल पर काम करता है सरकार का, चौकीदार से लेकर और चीफ सेक्रेटरी तक की सेवा शर्तों में सम्मानजनक सुधार किए। उत्तर प्रदेश में मैं शिक्षकों की राजनीति भी करता था
शिक्षकों की जितनी इज्जत मुलायम सिंह जी के मन में थी, लेखकों की जो इज्जत थी, कलाकारों की जो इज्जत थी, वो सब लोग इस बात को आज अनुभव कर रहे हैं कि ऐसा देश में दूसरा नेता नहीं। अदम गोंडवी साहब बीमार थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि अदम, आप तो लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में अदम गोंडवी बीमार थे और पीजीआई में एडमिट होने गए और पीजीआई ने उनको एडमिट नहीं किया। ये बात अखबार में छपी थी और मुलायम सिंह जी ने अखबार पढ़कर अदम गोंडवी को खुजवाया कि वो किस अस्पताल में है, वहां मिलने गए और उनको एम्बुलेंस में लेटा कर फिर पीजीआई लेकर खुद गए और पीजीआई के डायरेक्टर से कहकर एडमिट करवाया और वहां कहा कि इनके इलाज का जो खर्चा आएगा वो सब मैं व्यक्तिगत रूप से वहन करूंगा। जब ये बात थी तो मुलायम सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन वो लखनऊ में संयोग से थे और अदम गोंडवी की जान बची। मैं इस बात का साक्षी हूं, पंडित विद्यानिवास मिश्र का एक सड़क दुर्घटना में निधन हुआ था, उस समय वो राज्यसभा के सदस्य भी थे। किस तरह से मुलायम सिंह जी लगभग आधी रात तक जगे रहे और मऊ जिले में उनकी दुर्घटना हुई थी, उन्होंने मऊ के डीएम को फोन किया, बलिया के डीएम को फोन किया, गाजीपुर के डीएम को फोन किया करवाया, बनारस के डीएम को फोन करवाया और पंडित जी के शव के साथ हम लोग जा रहे थे। हर जिले की गारद अपने जिले की सीमा पर उन्हें एक सलामी देती थी और उनकी उनका शव वाहन एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने के लिए शव वाहन के पीछे पीछे कलेक्टर की गाड़ी चल रही थी और ये बनारस तक हुआ। बनारस के कलेक्टर रात में 2 बजे पंडित जी के आवास पर वहां खड़े थे और यह सब उनकी माननीय मुलायम सिंह जी की सांस्कृतिक और साहित्यिक दिलचस्पी का कर कि उन्होंने इतना सम्मान दिया और राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए। मुलायम सिंह जी बुनियादी तौर पर एक शिक्षक थे, बाद में वो समाजवादी शिक्षक हुए और इसीलिए शिक्षकों के जितने बड़े काम हुए सब मुलायम सिंह जी के समय में हुए। विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा शर्तों में जो सम्मानजनक संशोधन हुआ उसमें 3 बातें मैं गिना सकता हूं कि उनकी रिटायरमेंट की एज उत्तर प्रदेश में 60 साल थी, हम लोग मुलायम सिंह जी से मिले और उन्होंने उसे बढ़ाकर 62 साल किया। एक वाइस चांसलर जो शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही थी उनको हटाने के लिए मुलायम सिंह जी ने शिक्षकों की पीड़ा सुनकर, जिन्होंने 84 शिक्षकों के खिलाफ थाने में एफआईआर दाखिल करवा दिया था एक वाइस चांसलर ने गोरखपुर के, और सभी शिक्षक गिरफ्तारी देने के लिए डीएम के यहाँ गए थे और डीएम ने ये सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को दी थी। हम लोग उसके बाद मिले और कुलपति को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार ने 1989 में विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन किया। मैं बताऊं कि उस समय तक विश्वविद्यालय के अधिनियम में किसी कुलपति को हटाने का कोई प्रोविजन ही नहीं था। मुलायम सिंह जी से प्रेस के लोगों ने पूछा कि ये तो आपने विश्वविद्यालयों के साथ बहुत ज्यादती की कि उनके कुलपतियों को हटाने का जो अधिकार नहीं था वो अधिकार आपने दे दिया राज्यपाल को। मुलायम सिंह ने कहा मान लीजिए कोई वाइस चांसलर नियुक्त होने के बाद पागल हो जाता है तो हम उसको कैसे ढो सकते हैं, जनता के बीच में जवाबदेही तो सरकार की होती है, इसलिए अगर कोई किसी पद पर है तो उस पद से हटाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए और यह अधिकार सरकार ने नहीं लिया है, यह अधिकार राज्यपाल को ही दिया। जी फिर जब भी हम लोग डेलीगेशन में उनसे मिलते थे तो वे हमारी समस्या सुनने के बाद अपनी समस्या भी बताते थे और यह कहते थे कि इतने बड़े सूबे को आप लोग अगर ठीक से चलवाना नहीं चाहेंगे तो जो उन्मादी लोग हैं ये उन्मादी लोग इस सूबे को चलने नहीं देना चाहते हैं। एक मुख्यमंत्री अगर 24 घंटे
सांप्रदायिक समस्याओं को निपटाने में जुटा रहेगा तो वह प्रदेश के प्रदेश का विकास कब करेगा और प्रदेश के लिए नई नई योजनाएं कब बनाएगा। ये सब उनकी जो चिंताएं थी वो चिंताएं उन्हें एक बड़ा नेता बनाती हैं। और मेरी जानकारी में वे अकेले ऐसे बड़े नेता थे इस समय जो अपना पक्ष प्रतिपक्ष छोड़कर लोगों की मदद करते थे जी, जो उनके विरुद्ध जी उसकी भी मदद करने का हौसला, बड़े दिल का हौसला अगर इस समय की राजनीति में 21वीं सदी की राजनीति में किसी के पास था तो वो माननीय मुलायम सिंह जी के ही पास था, जिनके भीतर प्रतिक्रिया और दुर्भावना नहीं थी, जिन्होंने राजनीति को सद्भाव से चलाने की कोशिश की। और इसके बहुत सारे संस्मरण भी वो सुनाते रहते थे, पुराने राजनीतिकों के संस्मरण सुनाते थे। राजनारायण जी के पुण्यतिथि पर हम लोग उनका भाषण सुन रहे थे, ऐसे दुर्लभ संस्मरण उनके पास थे। और संस्मरण सुनाकर इसी बात पर चिंता व्यक्त करते थे कि हमारे समय की राजनीति कलही हो गई है, लोग विचारधारा के विरोध को व्यक्तिगत विरोध तक लेकर जा रहे हैं और ये बात राजनीति में ठीक नहीं है। तो इस तरह के जो एक ऊंचे दिमाग का, बड़े दिमाग के राजनेता थे, जिनके मन में सभी वर्गों के लिए पूरे सम्मान का भाव था, और जब फुर्सत में चुहल भी थोड़ी कर लेते थे, उन 2014 में 13 में गोरखपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ था जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था, जिसमें अच्युतानंद मिश्र भी थे, ये गाजीपुर वाले नेताजी थे, प्रोफेसर थे, तो उन्होंने उस पूर्वांचल की विकास के बारे में जो तस्वीर रखी थी और जो योजनाएं रखी थी वो बहुत तैयारी के साथ आए थे उस मीटिंग को करने के लिए। और उसमें उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के कर्मठ लोगों का नाम उल्लेख किया था, और साहित्यकारों का, समाज सुधारकों का, संतों का, सबका नाम उल्लेख करते हुए उस धरती को कहा था कि ये धरती, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि इस धरती को कोई पिछड़ा हुआ कहता है तो मुझे अफसोस होता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक रूप से बहुत संपन्न धरती है, हमारा देश आध्यात्मिक धरती का आदर करता है, इसलिए इसे पिछड़ा हुआ नहीं कहना चाहिए, हालांकि इसकी जो आर्थिक उन्नति नहीं हुई है हम उसके लिए योजना बनाएंगे और आप लोग उसकी योजना बनाकर हमारे सामने ले आइए, हम उसको लागू करेंगे। प्रोफेसर साहब आपके पास आऊं, एक चीज आप जो भी कहें बता दें, लेकिन एक चीज जरा बहुत संक्षेप में, मुलायम सिंह जी ज्यादा इफेक्टिव ईस्टर्न यूपी में रहे बनस्पत वेस्टर्न यूपी के, जो मेरा अपना अनुमान, वो आप पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में देख लीजिए तो मुलायम सिंह का ज्यादा दबदबा वहां रहा है, वहां की पार्टी, मैं पार्टी के रूप में बोल रहा हूं, इसका भी कारण जरा बहुत संक्षेप में बताइएगा। और आप कुछ कहना चाह रहे थे आप उस बात को? नहीं, मैं अभी माननीय पत्रकार महोदय जो बात कह रहे थे जी, वो एक तो इस समय कहना नहीं चाहिए, और दूसरा क्या आज की सत्ता के बारे में भी ये बात ये कह सकते हैं कि आज की सत्ता जिस तरह से संगठन के लोग अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और जिस तरह से सत्ता चल रही है उसके बारे में भी ये बात क्या कह सकते हैं? ये मुलायम सिंह का शुरू किया हुआ है? नहीं, मैं जिस तरह, मैं, जिस मैं प्रदेश में मैं जिस तरह से नंगा जातिवाद चल रहा है और सिर्फ एक जात को जिस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, मैं प्रोफेसर साहब, मैं थोड़ा मतलब आप सब लोग जहां से आ रहे हैं फिर से याद दिला दूं, ये वीर बहादुर सिंह, अभी तो ये आईएएस की बात, अरे नेताओं की कर रहे हैं, वीर बहादुर सिंह के जमाने में थानेदार जो था वो जिला चलाता था। अगर जितने लोग ईस्टर्न यूपी के हैं, उस जगह का थानेदार जो होता था, पनियरा थाने का थानेदार उस जिले का को चलाता था। ये अगर आप, अभी संघ का मामूली कार्यकर्ता जिला चला रहा है? नहीं, मैं थोड़ा इसको नहीं, इसलिए अभी तो कोई चला ही नहीं रहा, अभी तो केवल वो दिल्ली से चल रहा। लेकिन इस समय ये बात कहने की नहीं है,
जी जी ठीक है, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि अगर मैं पूर्वांचल वाली बात जरा बताइएगा, पूर्वांचल वाली। जी जी पूर्वांचल शुरू से, सिंह साहब आप जानते हैं पूर्वांचल के, आप पूर्वांचल के जर्रे जर्रे से परिचित हैं, आपका ही है पूर्वांचल, जितना मेरा है उससे ज्यादा आपका है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। तो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवाद की जड़ें पहले से गहरी रहे। पूर्वी उत्तर प्रदेश राजनारायण जी का, डॉक्टर लोहिया का, जनेश्वर जी का बहुत प्रिय स्थल रहा है, और एक तरह से सत्ता का जो प्रतिपक्ष है, मुलायम सिंह जी का जो उदय है वो गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ है, वो गैर कांग्रेसवाद के नारे के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे। नेहरू जी का जो पूरा आभा मंडल था उसके विरुद्ध जो समाजवादियों की ललकार थी, उस समाजवादियों की ललकार के वो नेता बने थे। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्ता का एक प्रतिपक्ष चरित्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का हमेशा से रहा है, अब इस समय वह नहीं रह गया है। इस समय वह बिल्कुल सत्ता के साथ, सत्ता में लय हो चुका है, बल्कि सत्ता में विलीन हो चुका है। लेकिन कुछ दिनों पहले तक पूर्वी उत्तर प्रदेश गैर सांप्रदायिक और गैर कांग्रेसी दिमाग का प्रदेश रहा है, थोड़ा जातीय संतुलन भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ऐसा है, हालांकि ब्राह्मणों का वर्चस्व वाला इलाका है, लेकिन जो वर्चस्ववादी राजनीति है उस राजनीति के मुकाबले जो दलितों और पिछड़ों की राजनीति है और जो अल्पसंख्यकों की राजनीति है, उस दलितों पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की राजनीति ज्यादा सतर्क है पूर्वी उत्तर प्रदेश, और उसका उसके कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में समाजवाद का, समाजवादी लोग, कम्युनिस्ट लोग बहुत ज्यादा प्रभावी रहे हैं शुरू से, और मुलायम सिंह ने उसका पूरा इस्तेमाल किया, बल्कि एक तरह से पूरी कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म ही कर दिया। सभी कम्युनिस्ट लोग मुलायम सिंह जी के समय में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने एक प्रतिपक्ष रचा। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह जो गणित है इसके पीछे ये बात है, और इसका एक समाजवादी चेहरा भी रहा है बहुत, यहाँ रामधारी शास्त्री रहे, यहाँ राम नरेश पांडे रहे, यहाँ उग्रसेन रहे, यहाँ हरकेवल रहे, यहाँ जनेश्वर जी काम करते रहे। तो इन सब चीजों का एक मिला जुला असर पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा, और पूर्वी उत्तर प्रदेश अब देवरिया जैसा जिला जो गोरखपुर से पिछड़ा हुआ जिला है और गोरखपुर से छोटा जिला है, गोरखपुर से बाद में बना हुआ जिला है, पर देवरिया जिले से कैबिनेट मंत्री हमेशा होता रहा है। गोरखपुर जिले से कैबिनेट मंत्री 1977 में हुए, और वो मधुकर दीघे भी, उसके पहले पूर्वी उत्तर गोरखपुर से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था, जबकि देवरिया से बराबर कैबिनेट मिनिस्टर होते रहे। तो ये यहाँ का थोड़ा अपना गणित है, और उस गणित को एक्सपोज भी किया इन लोगों ने, उस गणित को भी आगे बनाया भी, कोई खाली यही नहीं कहा जा सकता है कि ये यहाँ के लोगों का स्वभाव था, उस स्वभाव को थोड़ा करीब से हवा दी और उस हवा का असर पड़ा, जिसकी वजह से मुलायम सिंह का नेतृत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह उनके मुकाबले रहे हैं बराबर, और मुलायम सिंह का उदय ही हुआ अजीत सिंह को राजनीति का अखाड़े में पटखनी देने के बाद। तो इसलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह का महत्व रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक प्रतिद्वंदी बराबर उनके अजीत सिंह और वो रहे हैं, इसलिए वहां थोड़ा कमजोर रहे होंगे,